हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइस, 3 नए ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुके हैं नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए। तो चाहे आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे स्टेट कोटा में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है ऑल ओवर इंडिया। तो गाइस, कभी मौका हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि ये लास्ट चांस रहेगा। तो आज मैं इस वीडियो में तीनों ऑफिशियल नोटिस आपको बताने वाली हूँ। तो आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, काउंसलिंग राउंड की कट ऑफ, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस की। सबसे पहले, जो आपका इंतजार था वो समाप्त हुआ, काउंसलिंग शेड्यूल जो है आपका जारी हो चुका है। तो मेरा फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस यही है कि काउंसलिंग शेड्यूल देख लीजिएगा, जारी हो चुका है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, तो गैस ये है नीट यूजी 2022 काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होगा राउंड वन का, ये फर्स्ट राउंड दिया गया है, राउंड वन का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग होगी, देखिए गैस, मैंने पहले ही आपको बताया था काउंसलिंग 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर से स्टार्ट है। पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी 17 अक्टूबर को इवनिंग 3 PM तक, ठीक है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आप कर पाएंगे 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, और चॉइस लॉकिंग आपकी होगी 18 अक्टूबर को 3 PM to 11:55 PM तक। उसके बाद गाइस, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स का बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो 17 से 18 अक्टूबर चलेगा। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होगा 19 से 20 अक्टूबर चलेगा, और फाइनली जो रिजल्ट है वो 21 अक्टूबर का आपका अनाउंस हो जाएगा। तो आप बहुत ही खुशी से दिवाली मना सकते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, अपनी दिवाली मनाकर आप अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड राउंड की, जो काउंसलिंग है उसके। सेकेंड राउंड उनका काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आपका चलेगा। पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी 7 नवंबर को इवनिंग 3 PM तक। उसके बाद गाइस, अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की, तो 3 नवंबर से 8 नवंबर तक चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे, लॉकिंग आपका रहेगा 8 नवंबर को इवनिंग 3 PM to 11:55 PM तक। उसके बाद इंटरनल वेरिफिकेशन जो होगा कैंडिडेट्स का, वो 7 to 8 नवंबर होगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 9 से 10 नवंबर चलेगी। 11 नवंबर को सेकंड राउंड का फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको रिपोर्टिंग करनी है 12 नवंबर से 18 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट थर्ड राउंड आएगा मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी रहेगी वो 23 नवंबर से 28 नवंबर तक आपकी चलेगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे 24 नवंबर से 29 नवंबर तक। वेरिफिकेशन जो होगा इंटरनल कैंडिडेट्स का, वो 28 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। रिजल्ट 3 दिसंबर को अनाउंस हो जाएगा। रिपोर्टिंग आपको करनी होगी 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट जो राउंड होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा वो 12 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगा। रिजल्ट 14 दिसंबर को अनाउंस होगा। रिपोर्टिंग टाइम 15 दिसंबर से 20 दिसंबर को रिपोर्ट आप कर पाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट जो होगी, फॉरवर्डिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन ऑर्डर टू मैरिट इक्वलिंग टू 10 times द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी आफ्टर द सीट प्रोसेसिंग। एक नोट भी दिया गया है, नीचे देख लेते हैं। फॉर एंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडे संडेज एंड गेस्टेड हॉलीडेज एज वर्किंग डेज, ठीक है गाइज। तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड ऑफिशियल नोटिस पर। तो देखिए,
अब हम बात करते हैं गाइस सेकंड जो ऑफिशियल नोटिस है, जैसे मैंने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फुल प्रोसीजर आपको बता दिया है, अब हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। तो जो स्टेट पर्टिकुलर स्टेट से है उनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो गाइस वो आप यहां से देख पाएंगे। यहां पर आपका स्टेट काउंसलिंग दिया गया है, ये आपका स्टेट काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड का। जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा सभी स्टेट्स में वो 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा। लास्ट डेट जो रहेगी राउंड वन की वो 4 नवंबर रहेगी ज्वाइनिंग की, ठीक है। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग के अंदर सेकंड राउंड गए चलेगा 7 नवंबर से 18 नवंबर तक, और ज्वाइनिंग का टाइम रहेगा 21 नवंबर। उसके बाद थर्ड राउंड जो मोपअप राउंड है उसके गाइस काउंसलिंग रहेगी 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर को जिनका भी सिलेक्शन होगा मोपअप राउंड के अंदर उनको जो है ज्वाइन करना है। स्टे वैकेंसी राउंड का लास्ट रहेगा 20 दिसंबर, और जो कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन ऑफ यूजी कोर्स वो है 15 नवंबर से, आपका जो एकेडमिक सेशन 2022-23 है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और दिया गया है कि जो मोपअप और स्टे वैकेंसी राउंड रहेगा उनके दो दो राउंड होंगे। जैसे मैंने नॉर्मली बताया एक मोपअप राउंड होता है, तो जब रिजल्ट आएगा तो मोपअप राउंड फर्स्ट होगा, फिर मोपअप राउंड टू होगा, इस तरीके से सीट को फिलअप किया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑफिशियल नोटिस की तरफ। तो गाइस ये है थर्ड ऑफिशियल नोटिस, काइंड अटेंशन नोटिस टू द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर MBBS BDS कोर्सेज फॉर 2022-23 सेशन, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, तमिलनाडु स्टेट ऐसा स्टेट है जिनने पहले से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, MCC की गाइडलाइंस का उन्होंने वेट नहीं किया, ठीक है। तो जो क्लोजिंग डेट थी 3 अक्टूबर थी पहले, लेकिन अब एक्सटेंड करके 6 अक्टूबर कर दी गई है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तमिलनाडु स्टेट के लिए तो 6 अक्टूबर इवनिंग 5 PM तक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये 3 नए ऑफिशियल नोटिस आए थे, तीनों मैंने बता दिए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।